बोल बोलने से डर क्यों रहे? ये हजरत का जो आस्थाना है यहाँ पे, ये एक्चुअली थे जिन्नात के बादशाह। यहाँ पे ना काफ़ी जिन्नातों का आना जाना रहता था। और यहाँ डेल का लैपटॉप है, ये मैंने लिया था एक्चुअली। मैं अपने बिल्डिंग की टायरिस पे आ गया हूँ। अरे बाबू देखो कितना बड़ा कौवा बैठा है, मैं आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा कौवा है, ये तो पूरा डार्क काला है। ये देखो चेयर की साइज देखो और कौवे की साइज काफ़ी बड़ा है। बहुत ही ज़्यादा डार्क काला कौवा था, वो तो उड़ गया। तो ये है हमारी दोस्तों बिल्डिंग की टेरेस, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से पूरा माउंटेन दिखता है, ज़बरदस्त माउंटेन। चेयर ले लेता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपना ये न्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना लास्ट वीडियो शूट किया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं डेली ब्लॉग वगैरह बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो जॉब से रिज़ाइन दिया था तो उसके बाद मैंने सोचा था कि आपको डेली ब्लॉग डालूंगा, क्योंकि डेली ब्लॉग डालने में क्या खर्चा भी लगता है, डेली का 1500 रुपये जाता है। तो मैं सोचा था पहले एक सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ, फिर मैं आपको डेली ब्लॉग शूट करूँ। तो हुआ ऐसा कि मैंने 3 वेबसाइट ओपन किया था जिसमें से मुझे अच्छा खासा इनकम भी आ रहा था, $10-12 दिन का आ रहा था। बट हुआ कि ये कि वो न्यू अपडेट आया 2023 का, तो उसमें पूरा बैंड हो गया। तो अभी बैंड हो गया तो फिर मैं सोचा अभी क्या करूँ, तो देखेंगे वापस जॉब को ही पकड़ेंगे और डेली का इनकम सोर्स बनाएंगे, उसके बाद में मैं आपको न्यू वीडियो डालना चालू करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे इधर पे एक दरगाह काफ़ी फेमस दरगाह है, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ के बारे में कुछ कुछ तो अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। और अच्छा लगा तो यार लाइक सब्सक्राइब कर लेना, तो चलते हैं फिर। हेलो पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। और मैं जिससे मैं आपको बता रहा था, ये देखो ये सैयद फकीर शाह बाबा, या ये दरगाह पे अपने को जाने का है। और ये सब मेरे साथ में बिल्डिंग के दोस्त हैं, ये है असरार सैयद, ये है अबरार सैयद और ये है इरफान। तो फिर चलते हैं, ये वो रास्ता, ये देखो सैयद फकीर शाह बाबा, इनकी कुछ अच्छी सी हिस्ट्री है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं दरगाह पे जा रहा था तो अभी मुझे एक भाई मिले, इनका नाम है शाहनवाज, इनका भी यूट्यूब चैनल है शाहनवाज ब्लॉग। तो आप लोग इनके चैनल पे विजिट मारो शाहनवाज ब्लॉग, और इनको भी सब्सक्राइब करो, इनको भी सपोर्ट करो मेरे साथ। तो कुछ आपको बोलना भाई? अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है और आरिफ भाई हमें मिले, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। और भाई का भी वीडियो है सो आप ये भी यहाँ शूट करने ही आ रहे थे जी, तो इत्तेफाक से भाई सब मिल गए, तो इनका भी वीडियो है सो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझ जिनाचीज को भी ऐसे सपोर्ट कीजिए। तो मेरा चैनल का नाम है शाहनवाज ब्लॉग, और वहाँ पे हर एक दरगाह का मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। हाँ, ये दरगाह दरगाह का वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है दरगाह वगैरह के में जाने के, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री वगैरह जाने के लिए, तो भाई का वीडियो देखो। वैसे तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं सैयद फकीर शाह बाबा किधर पे, तो मैं भी कुछ बताऊँगा और भाई का भी वीडियो देखना, उसमें भी आपको कुछ मालूम पड़ेगा। तो चलते हैं फिर। दो रास्ता है, एक ये वाला और एक सीढ़ी वाला, तो हम लोग सीढ़ी से जाएंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। पहुँचने के बाद सबसे पहले छबील है और फिर ये है रास्ता, दरगाह आपको दिखाता हूँ, थोड़ी वहीं चलते हैं। ये रही फुल चादर, यहाँ पे वजू खाना, और ये रही दरगाह। चलो यहाँ से चलते हैं, ये सीढ़ी है। पहुँच चुके हैं यहाँ पे दरगाह पे, ये मस्जिद है, ये देखो ये मस्जिद है छोटी सी, यहाँ पे नमाज अपन पढ़ सकते हैं। और ये रही दरगाह, सीढ़ी बहुत है, सीढ़ी बहुत चढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ज़ियारत करके ना यहाँ पे एक रास्ता जाता है, पूरा माउंटेन है, तो ये माउंटेन भी अपन देखेंगे वहाँ चढ़ के। तो ये है दरगाह हज़रत सैयद फकीर शाह बाबा। यहाँ की ज़ियारत कर लेते हैं, ज़ियारत करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। ये लोग का चालू ही रहता हमेशा। दोस्तों ये आस्थाना है हजरत का, और ये यहाँ पे आप बैठते थे इस जगह पे, इस जगह पे जो घेरा डाल दिया, यहाँ पे आप बैठ के इबादत वगैरह करते थे, चिल्ला वगैरह जो भी इनको करना था अपना।
जितनी भी इबादत थी वो करते थे आप। और ये देखिए ये सब जो थोड़ा सा जंगल टाइप है। ए तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? मज़े कर रहे हैं क्या उधर? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। हाँ तो यहाँ पे अक्सर जो है सांप का आता है। सांप का क्यों आता है? ये देखो दोस्तों ये सब जंगल है पूरा। और ये क्या रोज़ा लग रहा है तुम लोग? हिस्ट्री बताता हूँ ये हज़रत की। एक्चुअली यहाँ पे जो आप देख रहे सांप है मिठाई रखे, तो ये हज़रत का जो आस्थाना है यहाँ पे, ये एक्चुअली थे जिन्नात के बादशाह। यहाँ पे ना काफ़ी जिन्नातों का आना जाना रहता था। और यहाँ से हाँ चलो वहाँ चलते हैं। हाँ तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पे ना जिन्नात काफ़ी आते थे और हज़रत का जो मुलाकात है ना जिन्नातों से काफ़ी होता था। तो यहाँ पे हमेशा आना जाना रहता है। जिन्नात के बादशाह भी बोला जाता है इनको। ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं छोटा था तो मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी इनका इंतकाल हो गया था और तभी से यहाँ पर इनके किस्से मशहूर है, समझे। यहाँ पे ना जितने भी हैं ना सब आते हैं जिन्नात वगैरह, इसीलिए लोग यहाँ पर आकर के ना बहुत से लोग सांप दूध वगैरह मिठाई वगैरह डाल देते हैं क्योंकि जिन्नातों को क्या है दूध मिठाई वगैरह पसंद है, खास करके मिठाई ज़्यादा पसंद रहती है। तो ये लोग यहाँ देखो आँख में पूरा मच्छर मक्खी चला गया। बाप रे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आस्थाने पे आके? ये तुम लोग क्या आराम करने की जगह नहीं है? ये पूरा मुमरा का सीन देखेगा आपको, पूरा हाईवे पूरा मुमरा। यहाँ पे एक ऊपर माउंटेन है वो जगह है लंगर खाना है। ये देखिए ये लंगर खाना लगा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर कितनी बड़ी जगह है। काफ़ी बड़ी है वो जगह एक्चुअली। पहाड़ जो है ना पहाड़ों को काट काट के बनाया गया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी जगह है। ये पूरी पहाड़ों को काट के बनाया गया है ये पूरा पहाड़। हाँ बोल 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 रहे बोलने से डर क्यों रहे? तो ये लंगर खाना है काफी बड़ा है देखो दोस्तों। तो यहाँ पे लंगर खाना चलता है। सो दोस्तों मैंने आपको पूरा यहाँ का दिखा दिया है, दरगाह भी और लंगर खाना भी, किस तरीके का ये पहाड़ों के बीच में यहाँ पे लंगर खाना बना हुआ है। तो अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिनट बाकी है अभी रोज़ा खोलने के लिए। बाहर पे गए तो काफ़ी रोज़ा लग गया है, तो अभी रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ लेते हैं आपसे। दोस्तों नमाज़ पढ़ने के बाद में थोड़ा पावर नैप ले लिया था। 18 रमज़ान हो गया है पता भी नहीं चला। तो ये ब्लॉग आपको 19 या 20 रमज़ान को देखने मिलेगा। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार लाइक करो कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये डेल का लैपटॉप है। ये मैंने लिया था एक्चुअली, ये मैंने लिया था बाहर के काम के जो मेरे अदर कंट्री के जो क्लाइंट है उनके लिए लिया था। तो सबका वही प्रॉब्लम आने लगा था एड लिमिट का। तो ये देखिए 6th generation का है, i-Core 5 है, 8 GB रैम है और 256 SSD कार्ड है और 2 GB ग्राफिक कार्ड है। काफ़ी अच्छा मिल गया ये। मैंने एक्चुअली दोस्त लिया था सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड में मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया। एक्चुअली कभी भी आप लोगों को भी लेना हो ना तो किसी पर्सन से मत लो, किसी सेकंड हैंड शॉप से ही लो। मैंने सेकंड हैंड शॉप से लिया था तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, स्मूथ है। तो अभी तो वो काम नहीं हो पाएगा, तो अब इसमें एडिटिंग वगैरह मैं अपनी करूँगा। मेरी भी वेबसाइट पर वही होने लगा था, परमानेंट एडमिट बार बार लग जाती थी। या सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, मैं आपको अलग अलग तरीके के ब्लॉग दिखाना कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, meet you next video, tata bye.